तो बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे कैसे हाउ आई गेट 55 टू 165 मार्क। 55 मार्क थे मेरे 2021 में और फिर मैंने बस 6 महीने के अंदर ही उसको 165 तक कैसे पहुंचाया। मिसाल किताब है, तुमको सारे क्वेश्चन यहीं से मैं दिखा दूंगा, या तो मास्टर एनसीईआरटी से दिखा दूं या तो एलन के दिखा दूं, एलन के मॉड्यूल से। बस मैं अपनी स्ट्रेटजी कभी चेंज नहीं करता हूं, पहले बता चुका हूं, हर बार बता चुका हूं, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जिसने भी इन तीनों क्वेश्चन में से एक भी लगाया हो उसने इसको सॉल्व कर दिया होगा, पीवाईक्यू है। ठीक, 8वां देखिए, ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से इन्होंने क्या पूछा है, एनसीईआरटी की लाइन है। आज भी बता रहा हूँ, 3 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा तो वही बताऊंगा, 6 महीने बाद बनाऊंगा तो वही बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के वहां पे लिखना अपने कॉपी में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज PGI आजमगढ़। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, प्राची दीदी के बारे में था, मैंने बनाया था। ठीक है, आज की जो वीडियो हमारी, वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फिजिक्स को कैसे टैकल करें, बहुत दिक्कत आ रही है, बैकलॉग हो जा रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैंने कैसे अटेंड किया था, अटेम्प्ट कैसे किया था, कैसे कितने टेस्ट वगैरह दिए थे, सब कुछ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे कैसे हाउ आई गेट 55 टू 165 मार्क। 55 मार्क थे मेरे 2021 में और फिर मैंने बस 6 महीने के अंदर ही उसको 165 तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि मैं 6 महीने ही पढ़ा था और 6 महीने में 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हुआ था, 3 महीने में सब कुछ मैंने कैसे किया था सब बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात होती है कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो फिजिक्स सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। तो फिजिक्स को देना है मिनिमम 5 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे, क्योंकि मिनिमम 5 घंटे केमिस्ट्री को भी देना है और 4 घंटे बायोलॉजी को भी देना है। ठीक है, तो मिनिमम 5 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे आप दे सकते हो। अगर आपका बायोलॉजी तैयार है तो आप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक, तो टाइम की बात होगी। रही बात बुक की, मॉड्यूल की, बहुत सारे लोग हैं भैया एनसीईआरटी लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, एनसीईआरटी लगाएं, क्या करें, कौन सी बुक लगाएं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सारे बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उन सबका सोल्यूशन है मेरे पास। मैं अपनी स्ट्रेटजी कभी चेंज नहीं करता हूँ, पहले बता चुका हूँ, हर बार बता चुका हूँ, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, नहीं तो ऐसे घूमते रह जाओ। ठीक है, एक बुक मैंने बताया था मास्टर एनसीईआरटी की बुक बताई थी, एक मॉड्यूल मैंने बताया था एलन का मॉड्यूल। एलन के मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन नहीं करने थे, बस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है, बस उन्हीं क्वेश्चन को करने थे, मैंने यही बताया था। आज भी बता रहा हूँ, 3 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा तो वही बताऊंगा, 6 महीने बाद बनाऊंगा तो वही बताऊंगा। ठीक, तो अगर वो नहीं है, एलन की कॉन्सेप्चुअल नहीं है, दोनों में अगर बोलोगे कि प्रीफर किसको करें तो मैं बोलूंगा एलन के कॉन्सेप्चुअल को। एलन के एक्सरसाइज वाले, कॉन्सेप्चुअल वाले अगर मॉड्यूल नहीं है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम जाओ मास्टर एनसीईआरटी का, अगर वो नहीं है तो मास्टर एनसीईआरटी लगाओ। ठीक है, दोनों बेमिसाल किताब है, तुमको सारे क्वेश्चन यहीं से मैं दिखा दूंगा, या तो मास्टर एनसीईआरटी से दिखा दूं या तो एलन के दिखा दूं, एलन के मॉड्यूल से। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चूज करो, प्रीफर ये रहेगा कि एलन वाला चूज करो। ठीक है, दूसरी बात, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही लगाने हैं, और अगर तुम्हारे पास अगर कोई दिक्कत हो, फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियली अगर दिक्कत हो तुम्हें, तो ग्रुप वीडियो के नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिलेगा टेलीग्राम लिंक का, वहां पे जाना, वहां पे मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूरा एक ही साथ, पूरे एलन के जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, मैंने एक ही साथ उसको छोटे से पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाला हुआ है, उसके सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, उसको प्रिंट आउट करा लेना, 100-150 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता दिया। ठीक है, और कैसे, मतलब फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है जिसमें मैंने स्टार मार्क मेथड वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं सब कुछ मैंने समझाया, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, फोटो वगैरह दिखा दूंगा यहाँ पे, यहाँ से देख लेना और जाके देखना होगा तो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज करने से पहले एक सीक्वेंस होता है कि सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए सिंपल सा सीक्वेंस है, देखो सारे लेक्चर देखने तुम्हें, ठीक। 2 घंटे का लेक्चर होता है। लोग बोलते हैं कि भैया नोट्स बनाने में हमें टाइम लगता है, 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। पहली चीज अभी अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो नोट्स बनाना बंद कर दो, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाओ, जो सर ने नोट्स बनवाए हैं उसके प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा लिया तुमने, अब प्रिंट आउट जो नोट्स हैं उसको यूज कैसे करना है ये सुनो, बढ़िया से ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो जैसे सर ने अपना, सर स्क्रीन पे कुछ दिखाएंगे तुमसे, वो मतलब सर क्वेश्चन स्क्रीन पे अपने दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, पहले तो सर थियरी लिखवाएंगे, थियरी ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में लिखी हुई है, तुम थियरी पढ़ो, ठीक है। और थियरी को हाईलाइट करते जाओ, जैसे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज लग रही है तो तुम थियरी को हाईलाइट कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें फिर से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, जो भी करना है अपने नोट्स में करना है, जो भी करना है अपने एनसीईआरटी में करना है, ठीक है। तो तुरंत क्या करो, हाईलाइट कर लो थियरी को, कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा हो तो, ठीक। उसके बाद सर जैसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, सर ने तो पहले टॉपिक पढ़ा दिया, यूडीएम मान लो पढ़ा दिया, एरर निकालना, अब सर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे ही आया स्क्रीन को पॉज करो, अपने जो कॉपी उसको साइड में रखो या कॉपी बंद करो, पेन लगा कैसे कॉपी बंद कर दो, ठीक है। अब खुद से सॉल्व करो रब पे, अपना सॉल्व कर लिया तुमने, अपना आंसर मिलाओ, मान लो तुम्हारा आंसर है 280, सर का भी आया 280, ठीक है। तो बस एक बार देखो तुमने किस तरीके से किया, सर ने किस तरीके से किया, अगर दोनों सेम तरीका है तो ठीक है, चलो फाइनल है, ये क्वेश्चन फाइनल होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है तुम्हारे भी 280 आंसर आ रहे हैं, सर के भी 280 आ रहे हैं, लेकिन सर ने किसी और मेथड से किया है, तुमने किसी और मेथड से किया है। उसके लिए क्या करना है, जो तुम्हारा मेथड है, जो सर का मेथड है वो तो कॉपी में लिखा हुआ है, प्रिंट में, प्रिंट नोट्स में, ठीक है। अपना मेथड तुम उसके साइड में लिखोगे, ठीक, अपना मेथड साइड में लिखोगे, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज तुम लगा रहे हो, तुम्हारे 280 सर के आए हैं 400, तुम्हारा क्वेश्चन गलती हो गया ना, तो तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को मार्क करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को मार्क करके रखना है, इसी को बोलते हैं स्टार मार्क टेक्निक। पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स वाले में बताया था कि कैसे कैसे स्टार मार्किंग करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें फंस रहे हैं, भले ही तुम्हारा आंसर आ गया लेकिन तुम्हें पहली बार लगाने में फंस गए, उन क्वेश्चन को तुरंत मार्क करना है, ठीक है। इतना चीज समझ गया ना। अब देखो क्या क्या मैंने बताया था, लेक्चर देख लिया तुमने, नोट प्रिंट आउट कराया, थ्योरी को उसी में हाईलाइट कर लिया, और क्वेश्चन को तुमने उसमें से देख के, मतलब क्वेश्चन कैसे लगाना है पॉज करके लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब कुछ खत्म हो गया ना, लेक्चर खत्म हो गया, तुमने नोट्स वोट्स लगा लिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो क्या करना है, चैप्टर खत्म हुआ, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जाओ घूमो फिरो, गाना वगैरह सुनो, आओ बैठो, ठीक है, बैठो, नोट्स को खोलो एक बार, अब 10 मिनट उसको रिवाइज करो कि हाँ मैंने ये हाईलाइटेड थ्योरी की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे फंसे थे, क्यों फंसे थे, अच्छा ऐसे ऐसे करना था, ऐसे करना था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज होती है फॉर्मूले। फॉर्मूले की कॉपी बना लो, तुमने हिदायत समझ लो मेरी, जो भी समझ लो, फॉर्मूले की कॉपी बना लो, सारे फॉर्मूले तुम्हारे कॉपी में, जैसे लिखा तुमने केमिकल काइनेटिक्स यूनिट या मोशन यूनिट तुमने लिखा, सारे फॉर्मूले तुम्हारे लाइन से लिखे होने चाहिए, उसमें जो भी ट्रिक्स हैं तुमको लिखे होने चाहिए कि हाफ डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, 2v1v2 अपन b1 plus b2, 3v1v2 b3 अपन b1 plus b2 plus b1 into b2 plus b2 b3 plus b3 b1, ये सारे जितने शॉर्ट वाले फॉर्मूले हैं, जैसे कोई एक्सेलरेट कर रहा है फिर ड्रॉप कर गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ऐसे रॉकेट जा रहा है, रॉकेट बंद हो गया तो ऊपर फिर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलेरेशन की वजह से। तो ये जितने भी तुम्हारे उसके जो फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, ऐसे बॉल जगलिंग कर रहा है, जगलिंग के फॉर्मूले, और स्टेयर केस से ऐसे बॉल गिर रहा है उसके फॉर्मूले, वो सारे वहां पे जाके सॉल्व नहीं करने होते हैं, वो सारे तुम्हें तुम्हारे फॉर्मूले की कॉपी में लिखे होने चाहिए कि हाँ ये अगर केस आएगा तो इसका फॉर्मूला ये है, मैंने बुलेट से गोली मारा, कितने प्लैंक के बाद इस वेलोसिटी से मैंने मारा, कितना प्लैंक वो उसको तोड़ते हुए जाएगा फिर रुकेगा, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस वेलोसिटी से गया। सारे फॉर्मूले तुम्हारे, भले से वो क्वेश्चन है, मैं जान रहा हूँ क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के वहां पे लिखना है अपने कॉपी में, ठीक है। इससे क्या होगा, पहली बात तो फॉर्मूले तुम्हारे अगर पूरे तैयार हैं, 38 से 40 क्वेश्चन तो तुम्हारा कोई मतलब कोई रोक नहीं पाएगा, 38 से 40 क्वेश्चन तुम वहां करके आओगे, सीधे करके आओगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये तैयार रहेगा तो वहां सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें, जैसे तुमने देखा चलो ठीक है मार दिया, जैसे तुमने देखा ठीक है मार दिया, तो ऐसे करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि बस मोशन यूनिट में है तो मैंने लिख लिया फ्री फॉल के फॉर्मूले लिख लिए और 2-3 फॉर्मूले लिख लिए, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लिख लिए, मैक्सिमम हाइट के, रेंज के, ऐसा नहीं होता है। सारे ट्रिक तुम्हारे, सारे ट्रिक एंड टिप्स, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनके तुम्हें फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है अपने नोट में, फॉर्मूले की कॉपी में। इतना करने के बाद उस दिन का डीपीपी तुम्हें अगर करने का मन हो तो करो, डीपीपी करने का मन हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि डीपीपी में एक्स्ट्रा थोड़ी क्वेश्चन दी जाती है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीपीपी तो छोड़ दो, मैं कहूंगा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीपीपी लेना तुम्हें क्या करना है, सर ने जैसे तुम्हें पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के उसी दिन तुम्हें मॉड्यूल के जो एलएन का मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन लगा लो या फिर मास्टर दी एनसीईआरटी के, दोनों में से किसी एक के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक लिखा होगा, उसके नीचे 8-10 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। उतना तुम्हारे लिए उस दिन के लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्टार मार्क मेथड में बता दिया कैसे कैसे स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करोगे 8-10 दिन में तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, सारे फॉर्मूले तुम्हारे एकदम तैयार रहेंगे, सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिखे रहेंगे तुम्हारे, और तुम्हारा चैप्टर हो गया रेडी। अब देखो क्या करना है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक, एक बार क्या करो 10-15 मिनट लगेगा तुमको थ्योरी रिवाइज करने, एक बार पूरा थ्योरी तुमने रिवाइज कर लिया, ठीक, क्योंकि तुमने ऑलरेडी थ्योरी को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। उसके बाद तुमको 20 मिनट लगेगा फॉर्मूले रिवाइज, क्योंकि तुम डेली फॉर्मूले रिवाइज करो, जैसे मान लो आज तुमने जो पढ़ा वो उसके फॉर्मूले लिख लिया, अगले दिन जब पढ़ोगे उसके फॉर्मूले जब लिखोगे तो लास्ट वाले फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, लास्ट वाले नोट्स ऐसे पलट के रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद तुम कंप्लीशन, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, सब कुछ तुम्हारा तैयार, 15-20 मिनट बस एक बार रिवाइज करो थ्योरी को, 15-20 मिनट फॉर्मूले को रिवाइज करो, तुरंत सारे किताब कापी सब हटाओ, एक किताब उठाओ पीवाईक्यू का, ठीक है, पीवाईक्यू का किताब उठाओ, पीवाईक्यू रखो, क्वेश्चन लगाना सॉल्व करो, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, अगर 70 क्वेश्चन तुमसे लग जा रहे हैं, मैं तुमसे ट्रस्ट करूँ, मुझ पर, मैं तुमसे लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमने ये कर लिया ना जो मैंने बताया कि थ्योरी लिख लिया, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख लिए, पॉइंट्स लिख लिए, और डेली डीपीपी नहीं करोगे तो डेली जो मॉड्यूल मिल रहा है, मॉड्यूल के जो भी टॉपिक पढ़ा उसको क्वेश्चन कर लिए, और सर जो नोट्स में करा रहे हैं उसको तो एक बार रिवाइज कर ही रहे हो, रिवाइज करके मार्क कर ही रहे हो, उतना अगर तुमने कर लिया तो 100 में से 80-85 क्वेश्चन तुम इजिली कर ले जाओगे, 10-15 बचेंगे उसको भी स्टार मार्क कर लेना, उसको बार बार लगाते रहना, ठीक है। जैसे तुमको टाइम मिले जब भी टेस्ट उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 70 क्वेश्चन भी लग जा रहे हैं 100 में, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, तुम पूरी तरह से सिलेक्ट होने के लायक हो, ठीक है। मान लो 50 क्वेश्चन लग गए, थोड़ा सा और मेहनत करो, पुशअप करो कि 70 क्वेश्चन तक पहुंचा दो, 100 पीवाईक्यू है तो 70 लगा दो उसमें, ठीक है। अब देखो इतना सब कुछ हो गया, अब पूछो भैया एनसीईआरटी का क्या, तो अब आती है एनसीईआरटी हमारी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के बाद हमारी एनसीईआरटी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे मैंने लगभग 11th के पूरा पहला पार्ट और 12th का पहला पार्ट सारे के हाईलाइटेड एनसीईआरटी डाल रखी है, ठीक है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी से तो वहीं से पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्व की हुई है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी। मैं तुम्हें एक मतलब दिखाऊंगा अपना जो मेरा कॉपी वगैरह था, नोट्स वगैरह जो भी मेरे बुक्स वगैरह थे है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा अलग वीडियो में मैंने कैसे पढ़ा था, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी है मैंने, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन मैंने उसमें से चूज किया तुम लोगों के लिए बस ये पॉइंट पढ़ना और ये क्वेश्चन लगाने हैं, तो उसको वहां से करेंगे, ठीक है। रिविजन कैसे करना मैंने बता दिया ना, जैसे मान लो तुम्हारा टेस्ट है तो तुम पहले से तुम्हारा चैप्टर तैयार है, सारे फॉर्मूले तुम्हारे याद है, बस एक बार आधे घंटे 20 मिनट तुम थ्योरी पढ़ो, आधे घंटे फॉर्मूले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाने बैठो। सारे क्वेश्चन मत लगाना, क्वेश्चन मार्क इसीलिए कराया जाता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे फंसे थे या तुम्हें आते ही नहीं थे बस उन्हीं को लगाओ, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करके, एक बार दो बार 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 प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। स्टार मार्क मेथड कैसे अच्छे से अप्लाई करना है ये मैंने लास्ट वाली वीडियो, फिजिक्स वाली वीडियो में मैंने बता दी थी, वहां से एक बार जाकर देख लेना, तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे तुमने पढ़ लिया काइनेटिक्स, तुम्हारा यूडीएम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया काइनेटिक्स, तो तुम पूछोगे भैया अब रिवाइज कैसे करें, तो रिवाइज करने का सिंपल सा तरीका है, काइनेटिक्स तुमने पढ़ा, 2 घंटे का तुम्हारा लेक्चर था काइनेटिक्स का, तुमने देखा सब कुछ कर लिया, आधे घंटे में तुमने थ्योरी हाईलाइट कर लिया, आधे घंटे में तुमने थ्योरी और फॉर्मूले हाईलाइट कर लिए, ठीक है। और फिर तुमने तो 2.5 घंटे हो गया ना, 2.5 घंटे हो गया, और फिर उसके बाद तुमने 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, 3.5 घंटे हो गए, 5 घंटे तुमको डेली देना था फिजिक्स को, मिनिमम बता रहा था 1.5 घंटा बता ना तुम्हारे पास, इन 1.5 घंटे में तुम अपना यूडीएम कैसे रिवाइज करोगे, उसको टॉपिक में तोड़ो। जैसे यूडीएम में 3-4 टॉपिक है, जैसे देखो पहले तो जनरल इंट्रो वगैरह, वन एंड स्टॉर्म, वन लाइट एरिया सब है, ठीक है। और दूसरा हमारा एरर है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो स्क्रू गाज है वर्नियर कर, उसको 2-3 टॉपिक में तोड़ दो, और एक दिन लिख लो कि हाँ आज सिग्निफिकेंट फिगर और ये एरर, परसेंटेज एरर और बेसिक जो है वो पढ़ना है मुझे, 1.5 घंटे में वो कंप्लीट कर लिया। फिर अगले दिन मुझे स्क्रू गाज पढ़ना था, वर्नियर कैलिपर पढ़ना था, ये पढ़ लिया मैंने, 2 दिन में तुम्हारा चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो गया और फॉर्मूले वगैरह तुम्हारे सारे रिवाइज थे। ऐसे ही करके सारे चैप्टर को पीछे वाले को ऐसे रिवाइज कर लिया, ठीक है, टॉपिक में तोड़ के, ठीक है ना। बैकलॉग के लिए बता देता हूँ तुम्हें, जैसे किसी के बैकलॉग हो तो 3 लेक्चर तो डेली देख ही रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो कोशिश करो कि 4 लेक्चर देखो, 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो फिजिक्स का, ठीक है। या फिर संडे को कर सकते हो, टेस्ट देने के बाद 3-4 लेक्चर देख लो आगे, बैठो एक सीटिंग में, तीन लेक्चर देख के कम्प्लीट करो, 2 हफ्ते में कम्प्लीट हो जाएगा कोई भी चैप्टर इजिली, बड़ा सा बड़ा चैप्टर बैकलॉग कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और कर सकते हो बैकलॉग के लिए कि जैसे तुम्हारा अभी देखो जैसे बायोलॉजी का जो टाइम है उसको हम लोग निकालते हैं, बायोलॉजी की वीडियो तुम लोग जाकर देखना, मैंने जो स्टडी वीडियो बताई थी उसमें मैंने क्लियर कट ऐसे 15-16 चैप्टर ऐसे बताए हुए हैं जो तुम बिना एनसीईआरटी बिना मतलब लेक्चर देखे कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो, और उसमें भी दिक्कत आ रही है तो वन शॉट देख के कम्प्लीट कर सकते हो। वो जो टाइम तुम्हारा बचेगा बायोलॉजी का उसको तुम्हें यूटिलाइज करना है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो जैसे कि 4 घंटे तुमको बायोलॉजी पढ़ना था, तुमने 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे में तुमने लिविंग वर्ल्ड तुम्हें पढ़ना था, तुमने लेक्चर देखते तो 4 दिन में कम्प्लीट होता, 2-2 घंटे का लेक्चर, और तुम लिविंग वर्ल्ड 2 घंटे ही पढ़ोगे अच्छे से तुम्हारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो 2 घंटे तुमने देख लिया, मान लो 4 घंटे तुमने पढ़ लिया, तो बाकी 3 तुम्हारा बचा ना 6 घंटे तुम्हारे, तो 6 घंटे का लेक्चर तुम क्या करो बैकलॉग अपना फिजिक्स का करो, ठीक है, केमिस्ट्री का करो। ठीक है, तो ऐसे करना है। बाकी इतना ही था, इसमें सारी चीजें मैंने कवर कर दी, क्या क्या मैंने किया था जल्दी से बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मिनिमम 5 घंटे मैक्सिमम 6 घंटा। बुक का मॉड्यूल, एक बुक वन स्ट्रेटजी वन टीचर, मैंने पहले बताया था। बुक क्या है, या तो एलन का मॉड्यूल लगाओ, एलन का मॉड्यूल नहीं है तो मास्टर एनसीईआरटी लगाओ, और साथ में पीवाईक्यू। ठीक, उसके बाद क्या मैंने बताया था, फॉर्मूले बनाने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बनाने हैं, सीक्वेंस क्या था और फॉर्मूले बनाने हैं, और हाईलाइटेड एनसीईआरटी टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या सीक्वेंस था, लेक्चर देखो 2 घंटे, नोट्स प्रिंट आउट करा लो, कैसे यूज करना प्रिंट मैंने बता दिया है, एक बार रिवाइज कर लो उसको तुरंत। उसका सारे फॉर्मूले टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लो, डीपीपी सॉल्व करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, स्टार मार्क मेथड कैसे यूज करना है लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको जाकर देख लेना एक बार। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीआईक्यू सॉल्व करो, अगर 70 क्वेश्चन मान लो 50 क्वेश्चन है उसमें 30 क्वेश्चन लग जाए, मतलब 70% क्वेश्चन तुम्हारे लगने चाहिए। अगर लग गए तुम सही रास्ते पे हो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अच्छे नंबर आने एकदम तय है। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू होने के बाद एनसीईआरटी हाईलाइटेड पढ़ो, जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी पहले तुम्हारे पास थियरी है ही, उसके बाद थियरी जो हाईलाइटेड थी उसको पढ़ने के बाद हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत आसान हो जाएगी, उसको पढ़ो। और हाईलाइटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो मार्क कराए उसको करो, ठीक है, उसमें भी जो फंसे उसको मार्क कर लो। और रिवीजन कैसे करना है पार्ट में तोड़ के ये बता दिया हूँ, बैकलॉग कैसे करना है बता दिया हूँ, फॉर्मूले डेली पढ़ने हैं, फॉर्मूले के लिए आधे घंटे डेली निकालो 25 मिनट 20 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी केमिस्ट्री पे, ठीक, केमिस्ट्री में कैसे क्या करना है केमिस्ट्री पे नेक्स्ट वीडियो होगी। और जिसको भी दिक्कत हो रही है कोई भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर कोई भी लोग पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा एग्जाम चल रहा तो मैं बिजी था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री की वीडियो होगी। बाकी पीछे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ चैनल पर, देख लेना। ठीक है, दूसरी बात यार थोड़ी सी मतलब टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मतलब बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, तो एक काम तो कर सकते हो ना कि सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर तो कर सकते हो। जेन्युइन कंटेंट है यार, तुम्हें खुद लग रहा होगा कि हाँ कोई भी बात बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, इधर उधर की फालतूगिरी वाली बातें नहीं करता हूँ, प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये लगा लो वो लगा लो, क्योंकि जो मैंने किया था बस वही तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद मैं लगातार 5-6 वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं मतलब जो भी डाउट है बैकलॉग के, मिस्टेक एनालिसिस के, टेस्ट एनालिसिस के, बायोलॉजी की स्टडी वीडियो, जो भी मतलब दिक्कतें आती हैं मैं सारे बता दूंगा, जो मैंने फेस किया था सारे बता दूंगा, कैसे मैंने कोप अप किया था। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो को देखो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, क्योंकि यार जब वीडियोस पे यार व्यूज जाती है तो थोड़ी मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ चलो बताता हूँ। जब कमेंट आते हैं अच्छे, मैं देखता हूँ कमेंट बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है, मैं सोचता हूँ चलो कुछ और करते हैं इनके लिए। ठीक है, ये सब देखो और फेक यूट्यूबर्स से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।